हेलो एवरीवन, सो दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ 12 मिनट शो, बिकॉज इसके बाद अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें हम लोग अपने डिस्कस करने वाले हैं जो दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ओके, पहला क्वेश्चन है, द वर्ड मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मैनेजमेंट जो बेटा ग्रीक वर्ड से आया है, वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? कॉस्मोस, पथोस, नोमोस या मैनोस? द करेक्ट आंसर इज सर 3 यानी सी, नोमोस। मैनेजमेंट ग्रीक वर्ड नोमोस से आया है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, राइट? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दिस वॉज गिवन बाई हूम, ये किसने बोला? मैरी पार्कर फॉलेट, जेम्स एल लडने, एफ डब्ल्यू टेलर या पी एफ ड्रकर? वेल, द आंसर इज मैरी पार्कर फॉलेट। ये जो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स है, ये मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला। नेक्स्ट, मैं डैश मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली बट यूजिंग द रिसोर्सेस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ये क्या होता है जब, देखो अपने मैनेजमेंट में दो टर्म है, एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी। अगर मैं इफेक्टिवनेस का बात करूं तो इसका मतलब होता है टाइम पे टास्क को खत्म कर लेना, भले ही रिसोर्स बर्बाद हो जाए। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम रिसोर्स यूज करके काम करना है, यानी कॉस्ट एफिशिएंट रहना चाहिए, रिसोर्स कम लगे, राइट? तो इसका आंसर होगा बेटा बी, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर टाइम पे काम करने का हो तो इफेक्टिव होना है, और अगर आपको रिसोर्स अच्छे से यूज करना है तो एफिशिएंट होना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें से कौन सा ऐसा डायमेंशन है जो मैनेजमेंट कवर नहीं करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क कवर करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी कवर करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी कवर करता है। वेल, द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ ओरिएंटेशन, बिकॉज ये मैनेजमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस बिल्कुल है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव है बेटा, जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ऐसे याद रखो, राइट? तो इसका मतलब ग्रोथ है, प्रॉफिट है, सर्वाइवल है, तो इसका मतलब ये जो है कॉम्पिटिटिव सैलरी, ये मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु कॉल्ड मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस? मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस या सॉफ्ट साइंस किसने बोला था? अर्नेस्ट डेल, कुंजो डेनेल, मैरी एंड डोगलास, नन ऑफ द अबव। वेल, द करेक्ट आंसर इज अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल ने मैनेजमेंट को बेटा सॉफ्ट साइंस बोला था, या सोशल साइंस बोला था, या इनएग्जैक्ट साइंस बोला था। ठीक है, नेक्स्ट आप, AIMA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन, या ऑल इंटरनेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन? वेल, इसका आंसर बेटा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट, डैश आर द नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। कौन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है जो नॉन मैनेजरियल है? बेटा नॉन मैनेजरियल का मतलब होता है वो मेंबर जो किसी को मैनेज नहीं करते हैं, राइट? जैसे सीईओ, वो तो मैनेज करता है, टॉप लेवल है, वो खुद मिडल को मैनेज करेगा। सुपरवाइजर भले लोअर लेवल पे है, मगर वो वर्कर को मैनेज करते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स तो मैनेज करते ही हैं, बट बेटा वर्कर जो है वो किसी को मैनेज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्कर्स आर द नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्शन ऑफिसर जो है वो किस लेवल में आता है? मिडल लेवल, टॉप लेवल, या लोअर लेवल? द करेक्ट आंसर इज सर ए, सुपरवाइजरी लेवल, या लोअर लेवल, उसी को लोअर लेवल बोलते हैं। सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, यस और नो? फोरमैन हो गया, सुपरिंटेंडेंट हो गया, ये लोग सब बेटा लोअर लेवल में आता है। किस लेवल में आता है? लोअर लेवल में। सेक्शन ऑफिसर भी लोअर लेवल में। नेक्स्ट, जो पॉट्सकॉक का टर्म था वो किसने कॉइन किया था, मतलब किसने निकाला था? लथर गली, कार्ल मार्क्स, पी एफ ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर? दिस अ वेरी इजी आंसर, लथर गली, ये ऑलमोस्ट सबको आता है। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट है? इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग, टाइमिंग, ऑल द अबव? आपको पता होना चाहिए ये तीनों ही कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट होते हैं, इंटीग्रेशन भी, बैलेंसिंग भी, टाइमिंग भी। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी जो 1942 में स्टैब्लिश हुई थी उसने डबल डेकर बस प्रोड्यूस किया था? मार्शल, ऑलेन स्टीवर्ड, या डेकर ऑटोमेटेड कंपनी?
वेल इसका आंसर होगा बेटा ऑलेन कंपनी। ऑलेन कंपनी ने बेटा डबल डेकर बस को स्टार्ट किया था, याद रखना 1942 में। नेक्स्ट फोर्सकोर में सीओ का मतलब क्या होता है? सीओ का मतलब पी मतलब बेटा प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, एस मतलब स्टाफिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग यानी ऑप्शन ए। आर मतलब अगर पूछा जाए तो रिपोर्टिंग होता है, और बी अगर पूछा जाए बेटा तो बजेटिंग होता है। ठीक है, तो पॉट्सकोर में सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट ऑल द फीचर्स ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में किसके सारे फीचर्स मिलते हैं? साइंस के ना, क्योंकि साइंस में तो बेटा इनएग्जैक्ट साइंस है, कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स नहीं मिलते हैं। प्रोफेशन के भी नहीं मिलते हैं, डिसिप्लिन के भी नहीं मिलते। इसका मतलब मैनेजमेंट में सारे के सारे फीचर्स आर्ट के मिलते हैं, चाहे वो तुम्हारा क्रिएटिविटी हो, स्किल हो, नॉलेज हो, प्रैक्टिस हो, वो सारे फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में मिलते हैं। इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है, पूरा पूरी आर्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट, द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाई, जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बुक है वो किसने लिखी थी? लथर गली, कार्ल मार्क्स, पी एफ ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर। वेल द आंसर इज पी एफ ड्रकर। ये जो बुक है लिखी थी पी एफ ड्रकर ने, राइट। नेक्स्ट आओ, प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज रिजिड, परवेसिव, बोथ या नन। प्रिंसिपल जो साइंस के है वो रिजिड है, परवेसिव है, या बोथ है या नन है। वेल द करेक्ट आंसर इज जो साइंस के प्रिंसिपल है बेटा वो रिजिड है या परवेसिव है या बोथ है या नन है। पहला समझो, साइंस के प्रिंसिपल परवेसिव है। क्यों बताओ? क्योंकि बेटा साइंस का प्रिंसिपल, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, क्या बोला मैंने? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अगर वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेटा इंडिया में चल रहा है बेटा, तो इसका मतलब अमेरिका में भी चलेगा, यस और नो? तो साइंस के प्रिंसिपल बेटा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, राइट। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी बेटा यहाँ चलता है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो बाहर भी चलेगा। इसका साइंस के जितने प्रिंसिपल है बेटा वो क्या है? परवेसिव है। क्या है? परवेसिव है। बट अगर मैं आपको बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर रिजिड। सर रिजिड का मतलब क्या होता है बेटा? जो बदला ना जा सके, यस और नो? तो यस, साइंस के प्रिंसिपल रिजिड भी है, बट बोथ, दोनों ऑप्शन है, तो द करेक्ट आंसर इज बोथ, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज रिजिड, परवेसिव, बोथ, राइट। तो इसका आंसर है बेटा रिजिड। ओके, नेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्लाइज वन यूनिट एंड वन प्लान, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क या डिसिप्लिन। द करेक्ट आंसर इज सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर कभी भी आ जाए वन यूनिट वन प्लान, तो इसका आंसर होगा सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, टू फैसिलिट क्विक कम्युनिकेशन, हेनरी फ्यूल सजेस्टेड व्हाट, व्हिच इज एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन। मान लो अगर अपने को ट्राइंगल बना, यस और नो? इसमें टॉप लेवल पे ए है, फिर यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, राइट। अगर डी को ई से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना हो तो फिर उसको स्केलर चेन तोड़ के बेटा गैंग प्लैंक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करना है बेटा, तो गैंग प्लैंक करना होगा। तो इसका आंसर है बेटा गैंग प्लैंक, राइट। नेक्स्ट, एफ डब्ल्यू टेलर ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? इसका आंसर होगा बेटा ही वॉज अ मशीनिस्ट। क्या होगा? ही वॉज अ मशीनिस्ट, राइट, याद रखना। और इसके बाद क्वेश्चन है, डैश स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मूवी कैमरा। मूवी कैमरा के बेसिस पे आप कौन सी स्टडी करते हो? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, बहुत सारी स्टडी है, फटिक स्टडी, मेथड स्टडी, बट इसका आंसर बेटा मोशन स्टडी। ओके, मोशन को कैप्चर करने के लिए रिक्वायर अ मूवी कैमरा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, डैश इज अ पर्सन हु अरेंजेस ऑल द मशीन टूल्स अदर सोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर। बेटा इसका आंसर है गैंग बॉस। क्या है? गैंग बॉस, याद रखना, ठीक है। ही अरेंजेस द मशीन टूल्स एवरीथिंग। नेक्स्ट, डैश कॉल्स फॉर अ चेंज इन एम्प्लॉयर माइंडसेट फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड वर्कर। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर वर्कर से ना खुश है, वर्कर एम्प्लॉयर से खुश है, तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? बेटा इसका आंसर होगा बी, मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या होगा? जहां पे दोनों एक दूसरे से आपस में बात करके अपने अपने जो ग्रीवेंसेस है वो एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन, याद रखना। नेक्स्ट, हेनरी फ्यूल क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट या सोशल साइंटिस्ट। वेल इसका आंसर होगा बेटा माइनिंग इंजीनियर। क्या होगा? माइनिंग इंजीनियर, याद रखना। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द आंसर इज डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब क्या हो रहा है? जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको वही काम करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? उसका एफिशिएंसी उस काम में और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, और वो तभी संभव है जब डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बुक का नाम है बेटा शॉप फ्लोर, ये बुक किसने लिखी? जी आर टेरी, एडविन फ्लिपो, कुमार
कुंजो डेनल या फिर क्योशी सुजाकी? वेल, इसका आंसर होगा बेटा क्योशी सुजाकी। ये जो बुक है शॉप फ्लोर, वो लिखी गई थी क्योशी सुजाकी के द्वारा। नेक्स्ट, एफ डब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल है वो किस लेवल के लिए बने हुए हैं? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर या ऑल ऑफ द अबव? बेटा इसका आंसर होगा लोअर लेवल। एफ डब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली वर्कर पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? वर्कर पे। तो वर्कर लोअर लेवल में आता है, तो इसका आंसर होगा बेटा एफ डब्ल्यू टेलर। बट ये अगर आपको पूछता है हेनरी फ्योल, तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है वो मिडल एंड टॉप लेवल के लिए लागू है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। कौन इंसान कितना रेस्ट ले रहा है, तो वो कौन से टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प करता है बताने में? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी या मेथड स्टडी? तो जब रेस्ट इंटरवल को जानना हो बेटा, तो उसके लिए जो स्टडी है उसको बोलते हैं फटीग स्टडी। क्या बोलते हैं? फटीग स्टडी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, ये लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल है, कंटिंजेंट बिल्कुल है, जनरल गाइडलाइंस बिल्कुल है, ऑल द अबव बिल्कुल है। सो नो, तो इसका मतलब बेटा द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, राइट? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिविजन्स। ओके, सो आप अच्छे से पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछो, कॉन्टेक्ट करो, अच्छे से पढ़ो। ओके, चलो।